गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से अभी से प्रचार में जुटने की अपील की है। भाजपा ने गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए तो वहीं कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में जुटने के लिए भी कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार भाजपा देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतेगी और इस बार अपने सहयोगी राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा आलाकमान का उन्होंने धन्यवाद किया और इस बार ये दावा किया कि इस सीट पर उनको भारी मतों से जीत मिलेगी। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। बतौर बीजेपी का प्रत्याशी मैंने गुड़गांव बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आकर के शुरुआत करी है। जिस तरह का जोश इस बार मेरे को गुड़गांव के अंदर नजर आया है, मैं यहाँ से पहले भी कई साल लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा जो कि इस बार मेरे को देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लोकसभा का, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में दोबारा से डालने की बात हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है, वो पब्लिक उस उम्मीद को पूरा करेगी। आज आप लोग गुड़गांव के वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले अगले राधा दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही कृपा आप लोग अपनी जबान चलाएं या अपनी कलम चलाएं। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह से भटक भी जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं जैसे भी हैं वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप दर्शाएंगे, आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे को जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार फिर से मौका मिलेगा। धन्यवाद। देखिए मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पारी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या दो बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई हैं पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई हैं, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई हैं। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इस बार मेवात से कितना साथ मिलने वाला है, मेवात को लेकर लगातार।